फ्रेंड्स, आई एम प्रिया। वेलकम टू माई चैनल। लिप्स नॉट ओनली सिंबलाइज योर ब्यूटी बट ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट योर हेल्दी अपीयरेंस। तो दोस्तों, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है। सुंदर लिप्स हमारी सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही ये हमारी हेल्थ को भी दर्शाते हैं। सुंदर लिप्स या सुंदर होंठ हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। अगर हमारे होंठ ड्राई, क्रैक, चैप्ड हो जाएं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है, साथ ही हमें ख़राब लगता है दूसरों के सामने जाना, उनसे बात करना। फ्रेंड्स, जब भी सर्दियां आती हैं, ये हमारे होठों पे बहुत फ़र्क डालती हैं। हमेशा हमारे होंठ ड्राई, चैप्ड होने लगते हैं, फटने लगते हैं, कभी कभी तो ब्लड भी आने लगता है, हम उनसे बहुत परेशान होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपके लिए इन्हीं को ठीक करने का उपाय लाई हूँ, वो भी होममेड नेचुरल तरीके से। मैंने इसमें आपको होममेड क्लिंजर, होममेड लिप स्क्रब और होममेड मॉइस्चराइज़र बनाना सिखाया है, साथ ही लगाना भी दिखाया है। इसको आप किस तरह यूज़ करेंगे, अपने होठों को, ड्राई चैप लिप्स को कैसे ठीक करेंगे, इनको मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है, जिससे आप इनको अच्छी तरह से यूज़ करके इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 है क्लिंजिंग। आप किसी भी क्लिंजिंग मिल्क या कच्चे दूध से अपने लिप्स को क्लीन करेंगे। मैं यहाँ पे कॉटन बॉल पे क्लिंजिंग मिल्क लगा रही हूँ आयूर का, इस तरह से, और इसको मैं लगाकर कॉटन की हेल्प से इसको ठीक से साफ करूँगी, जिससे आपके लिप्स क्लीन हो जाएंगे। क्लिंजिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे दिन की धूल मिट्टी, मेकअप या लिपस्टिक हमारे लिप्स पे है, वो अच्छे से साफ़ हो जाए जब हम स्टेप 2 करें। कोई भी डर्ट नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से आप अपने लिप्स को क्लीन कर लेंगे। अब आते हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मींस है अपने लिप्स डेड सेल्स रिमूव करना। इसके लिए मैंने होममेड लिप स्क्रब बनाया है, जो सबसे पहले आप इसमें एक बोल लेंगे और 1 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद आप इसमें 1 चम्मच हनी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हनी मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक होता है, जो आपके फटे होठों को ठीक करता है और इन्हें स्मूथ करने में मदद करता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। ऑलिव ऑयल एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्किन की अपर लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही इसको ड्राई होने से भी बचाते हैं। इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको फाइन शुगर इस्तेमाल करनी है, और इसमें शुगर मैंने इसलिए यूज़ की है, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है डेड सेल को रिमूव करने में और साथ ही बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के। अब आपका ये नेचुरल होममेड स्क्रब तैयार है यूज़ करने के लिए। आप इसको बनाने के बाद किसी भी छोटे से कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको 1 मंथ तक भी स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है, जिससे कि आप इसको बार बार यूज़ कर सकें और कम से कम आपके विंटर्स में पूरी तरह से ये चल जाए। अब आइए मैं आपको इसको लगाना सिखाती हूँ, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। इसको आप रिंग फिंगर पे लेके अपने लिप्स पे अप्लाई करना शुरू करेंगे। इस तरह से ये मैंने अप्लाई किया। अब आप इसको हल्के हल्के हाथ से स्क्रब करना शुरू करिए लिप्स पे। सर्कुलर मोशन में आप इसको स्क्रब करिए, जिससे ये अच्छी तरह से आपके लिप्स पे लगे और स्क्रबिंग हो। फ्रेंड्स, ये नेचुरल होममेड शुगर हनी का जो स्क्रब मैंने बनाया है लिप्स के लिए, ये एक नेचुरल तरीका है बहुत अच्छा डेड सेल्स को रिमूव करने का, एक्सफोलिएट करने का, साथ ही अपने लिप्स को स्मूथ बनाने के लिए विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट। स्क्रब को आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। स्क्रबिंग करने के बाद किसी नैपकिन या सॉफ्ट कपड़े से अपने लिप्स को साफ कर लीजिए। अब आते हैं स्टेप 3 पे, मॉइस्चराइजेशन। मैंने इसमें होममेड लिप मॉइस्चराइज़र बनाया है। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल लेंगे 1 चम्मच, और अब इसमें हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल। आप चाहें तो नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ये मार्केट वाला भी आप इसमें जेल यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए मैंने कोकोनट ऑयल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें ऐसे फैटी एसिड पाए जाते हैं जो एक बैरियर का काम करते हैं हमारे लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए और मॉइस्चर लॉक करते हैं जिससे हमारे लिप्स ड्राई नहीं होते। अब आपका ये मॉइस्चराइज़र तैयार है। सबसे पहले आप इसको अच्छे से मिक्स करें लगाने के लिए और इसको लगाने के बाद 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में लिप्स पे मसाज करें। ये होममेड मॉइस्चराइज़र आप किसी भी टाइम दिन में रात में लगा सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो इसको लगा के 2 मिनट मसाज कर लीजिए। लिप मॉइस्चराइज़र में मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है जो आपके लिप्स का कॉम्प्लेक्शन क्लीन करता है, आपके लिप्स को पिंक करने में मदद करता है, स्मूथ करता है। साथ में ये आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है कोई लिप्स में, सूजन टाइप की आ रही है, उसको भी ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 स्टेप्स अपने लिप्स को ठीक करने के लिए। और मैं आपको बोनस टिप भी देना चाहूँगी कि इन बोनस टिप्स को भी आप इनके साथ यूज़ करिए अपने होठों का ख्याल रखने के लिए। पहली बोनस टिप ये है कि आप हमेशा अपने पॉकेट में लिप बाम की ट्यूब या फिर ये जो होम मेड लिप बाम मैंने जो बनाया है लिप मॉइस्चराइज़र, इसको रखें एक कंटेनर में करके और इसको हर 1 घंटे बाद लगाते रहिए अपने होठों पे। दूसरी टिप है कम से कम आप 8 से 10 ग्लास पानी रोज पिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। साथ में थर्ड टिप ये है अपने होठों को लिकिंग करना और बाइटिंग करना बंद करिए, इससे भी आपके होंठ बहुत ख़राब हो जाते हैं। टिप ये है नहाने से पहले या मुंह धोने से पहले अपने लिप्स पे मॉइस्चराइज़र या लिप बाम लगा कर ही मुंह धोइए, इससे आपके लिप्स ड्राई भी नहीं होंगे और फटेंगे भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गूगल पे। और एक चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अच्छे वीडियो के लिए मैं फिर से आऊँगी एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।